तो शक्तिमान की डुप्लीकेट ब्लेड अगर कहीं से मिलती है तो उसमें और इसमें क्या फर्क है? इसी से शक्तिमान की ब्लेड पहचानी जाती है। अगर आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि क्या अंतर है, जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक जैरोवेटर का ब्लेड है। ये तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रोटावेटर के ब्लेड के बारे में। आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंपनी का ब्लेड रोटावेटर में आता है और कौन सी कंपनी का ब्लेड होता है सबसे अच्छा, जैरोवेटर का ब्लेड कैसे होता है और रोटावेटर का ब्लेड कैसे होता है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऑल राइट, वेलकम बैक दोस्तों। सबसे पहले वीडियो में शुरुआत करते हैं जैरोवेटर के ब्लेड के बारे में। तो जैरोवेटर के ब्लेड के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों ये जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये एक जैरोवेटर का ब्लेड है। ये आपका ब्लेड शक्तिमान में भी लग जाएगा, महिंद्रा में भी लग जाएगा, न्यू हॉलैंड में भी लग जाएगा, मैसियो में भी लग जाएगा, लगभग जो जैरोवेटर आते हैं उनमें लग जाएगा। ये जो आप इसका होल देख रहे हैं ये होता है 19 नंबर का और कई कंपनियों में ये 22 नंबर का भी आता है। अगर इसके चौड़ाई की बात की जाए तो इसकी चौड़ाई होती है 3 इंच की और इसकी अगर थिकनेस यानी मोटाई की बात की जाए तो ये होती है 8 mm की। और दोस्तों अगर दूसरे ब्लेड कंपनी की ब्लेड की बात किया जाए तो ये आप देख रहे हैं ये शक्तिमान कंपनी का ब्लेड है। इसमें भी वही सेम चीज़ें हैं, चौड़ाई इसकी जो है इस ब्लेड की अपेक्षा ये इसकी चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, वो आप इसमें देख पाएंगे। और अगर थिकनेस की बात की जाए तो थिकनेस भी इसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है लेकिन बहुत नामात्र की होती है, वो आप देखेंगे। ये ब्लेड आपको मिल जाती है पाउडर कोटिंग के साथ। पाउडर कोटिंग क्या होता है कि इससे आपकी ब्लेड जो है, आप मान के चलिए कि अगर रोटावेटर आपका नया है या फिर आपने ब्लेड कहीं रखा है तो इसमें जंग लगने की समस्या नहीं आएगी, तो ये एक फ़ायदा रहेगा इस ब्लेड में। और अब आइए बढ़ते हैं रोटावेटर की ब्लेड की तरफ। रोटावेटर के ब्लेड में सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर ब्लेड। शक्तिमान कंपनी के रोटावेटर ब्लेड की बात किया जाए तो इनकी क्वालिटी यार सबसे बेस्ट होती है। इनके टक्कर की क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ मैसियो और टायो इंडिया की एक कंपनी होती है। वो टायो इंडिया की बात किया जाए तो वो यहाँ की कंपनी नहीं है, वो जापान की कंपनी है। तो मैं बात कर रहा था शक्तिमान के रोटावेटर ब्लेड के बारे में। अब अगर शक्तिमान के ही जैरोवेटर के ब्लेड के बाद से इसके मिलाएं तो आप देख सकते हैं अंतर, आपको एग्जैक्टली दिख रहा होगा कि क्या अंतर है। ये शक्तिमान की ब्लेड है और शक्तिमान में ही पहले एक ब्लेड आया करती थी, ये इसकी ओल्ड मॉडल की ब्लेड आती थी। तो ये शक्तिमान ने पहले जब शुरू में रोटावेटर का ब्लेड बनाना शुरू किया है तो वो पाउडर कोटिंग नहीं दिया करता था, ये एक सिंपल दिया करता था। और अगर इसके ओरिजिनल और डुप्लीकेट के बारे में बात करें तो शक्तिमान के कंपनी में आप ये देखेंगे, ये जो आपको ढाल दिख रहा है ये थोड़ा सा ऊंचाई दिख रही है, ये ऊंचाई इसका कोई फॉल्ट या फिर कोई वो नहीं है, यही इसकी खास चीज़ है। ये जो इसकी ऊंचाई है इसी से शक्तिमान की ब्लेड पहचानी जाती है। अगर शक्तिमान की ओरिजिनल ब्लेड है तो ये जो थोड़ी सी ऊंचाई है ये जरूर रहेगी रोटावेटर के ब्लेड में। चाहे पुराने रोटावेटर के ब्लेड की बात करें, आप पुराने में भी देखेंगे तो पुराने में भी आपको मिलेगा ये चीज़। ये देखिए आपको एज पे थोड़ा सा ऊंचा मिलेगा। और अगर दूसरे कंपनी की रोटावेटर की ब्लेड बात करें, जैसे आपको मैं दिखाता हूँ ये टाटा की कंपनी की ब्लेड है, टाटा एग्री को, इसमें आप देखेंगे तो ये आपको बिल्कुल फ्लैट दिखेगा, इसमें आपको कहीं भी कोई भी ऊंचाई या फिर कोई भी इस तरह का कोई चीज़ नहीं दिखेगा। ये टाटा की ब्लेड है, ये अगर आप लेना चाहते हैं तो ये मार्केट में आपको लगभग 125-130 रुपए के आसपास मिल जाएगा। इसमें और भी वैरायटी आती है, और भी सस्ता आता है, वो आप मार्केट से चेक कर लीजिएगा। और अगर शक्तिमान कंपनी की बात करें तो शक्तिमान कंपनी की ब्लेड आपको लगभग 145-150 रुपए के बीच मिल जाता है। और सारी कंपनियों के ब्लेड की अपेक्षा शक्तिमान कंपनी की ब्लेड अच्छी होती है। दोस्तों मैं कोई इसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे कोई कंपनी से पैसा नहीं मिला है, किसी भी कंपनी से कोई भी पैसा नहीं मिला है, लेकिन मैं यार इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा जो सब्सक्राइबर हैं, इतने ज़्यादा जो यूज़र हैं, वो बताते हैं कि सर शक्तिमान कंपनी की ब्लेड और मैसियो कंपनी की ब्लेड और टायो जापान वाली कंपनी की जो ब्लेड होती है वो अच्छी होती है। और अगर बात करें तो ये आपको करनाल की मिल जाएगी, स्टार कंपनी की, स्टार इटली की अगर आप बात करें तो क्वालिटी इनकी भी अच्छी है। इसमें भी आप देखेंगे कोई एज नहीं है, ये क्योंकि शक्तिमान में वो स्पेशली यहाँ पर एज होता है, वो जो एज होता है वही शक्तिमान के ओरिजिनल ब्लेड की पहचान होती है। और अगर दूसरे कंपनी की बात करें तो दूसरे कंपनी में आपको ये एंडीवर कंपनी का मिल जाता है ब्लेड, एंडीवर कंपनी के ब्लेड, इसमें भी आपको कोई एज नहीं मिलेगा। तो ये थी ब्लेड से रिलेटेड जानकारी। ब्लेड में आपको अगर रेट के बारे में बात करें तो रेट आप करनाल के जो ब्लेड आते हैं, चाहे क्या कहते हैं स्टार कंपनी की हो या फिर करनाल के बहुत सारे ब्लेड आते हैं जो तमाम कंपनी के नाम से आते हैं,
वो आपको लगभग 110, 120, 125 अच्छी क्वालिटी का ब्लेड है तो 130 रुपए तक मिल जाता है, और लो क्वालिटी में अगर बात किया जाए तो लो क्वालिटी का ब्लेड आपको 100 रुपए 90 रुपए तक मिल जाता है। ब्लेड आपको दिखने में ऐसे ही रहेगी, ब्लेड में कोई चेंजेस नहीं होता है, लेकिन उसका जो मटेरियल होता है मटेरियल दूसरा होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जो ओरिजिनल ब्लेड होती है, जो बेहतरीन ब्लेड होती है, वो बोरोन स्टील की बनी होती है। अब आप जैसे कम में जाएंगे यानी लो क्वालिटी में जाएंगे तो वैसे आपको आयरन ज़्यादा मिलेगा लेकिन बोरोन कम होता है। जो बोरोन चीज़ होती है वो मटेरियल ब्लेड को घिसने कम देता है, और ब्लेड जैसे जैसे घिसती जाएगी तो ब्लेड में धार बनता जाता है। अगर आप लोहे की ब्लेड की बात करें तो लोहे की ब्लेड की जो 80-90 रुपए की जो आपको मिल जाती है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी की होती है। घटिया क्वालिटी का मतलब मेरे ये है कि 200 घंटे 150 घंटे में वो ख़त्म हो जाती है। और अगर बात करें शक्तिमान कंपनी के रोटावेटर की ब्लेड के बारे में तो इनकी जो हार्डनेस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, लगभग 800-900 डिग्री टेम्परेचर पे इनको हार्ड किया जाता है, और इसके बनाने का जो प्रोसेस है वो पूरा रोबोट CMC HMC मशीनों से है, तो इसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा होती है। और सेम कंडीशन है टायो इंडिया की और आप मैसियो की, तो आप अगर ब्लेड खरीदने जाते हैं तो आप शक्तिमान कंपनी या फिर मैसियो कंपनी की ब्लेड खरीदें। उससे क्या होगा कि वो आपको खरीदते वक्त थोड़ी महंगी ज़रूर पड़ेगी, वो आप पहले तो आपको महंगा लगेगा लेकिन बाद में उसकी परफॉर्मेंस इतनी बेटर इतनी बेस्ट हो जाती है कि वो आपको जो तुरंत महंगा पड़ रहा है बाद में उतना ज़्यादा आपको एक्सेस करके दे देता है। दूसरी एक बात करें यार रोटावेटर के ब्लेड के बारे में, तो दोस्तों आप जैसे देखेंगे ये शक्तिमान का हमारा जो ब्लेड है इसका ये वाला और ये वाला जो छेद है ये थोड़ा दूरी होता है, जबकि अगर बात करें सोनालिका कंपनी के या फिर और भी कंपनियाँ जो होती हैं उनका ब्लेड आप देखेंगे तो इसका जो होल है ये थोड़ा नज़दीक है। ये मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ, ये आप देखेंगे तो इसका होल ये मैच नहीं करेगा। एक्चुअली इसलिए होता है कि सोनालिका या पंजाब मेड जो कंपनियां होती हैं उसमें जो है जो फ्लैंज लगा होता है वो 9 इंच का लगा होता है, 9 इंच के फ्लैंज में वो जो आपका ये होल है वो थोड़ा सा पास पास होता है। और शक्तिमान कंपनी की अगर बात करें तो शक्तिमान कंपनी लगाती है 11 इंच का फ्लैंज, 11 इंच के फ्लैंज में ये थोड़ा दूरी दूरी लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लेड है ये जो है पंजाब वाली कंपनी में नहीं लगेगा, पंजाब वाली कंपनी में भी लग जाएगा। आप इसको अगर सोनालिका में लगाना चाहें तो सोनालिका में भी लग जाएगा, शक्तिमान में लगाना चाहें तो शक्तिमान का तो ये है ही, और भी कंपनियों में अगर आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। अब दोस्तों अगर बात करें अगर आपको शक्तिमान की डुप्लीकेट ब्लेड अगर कहीं से मिलती है तो उसमें और इसमें क्या फर्क रहेगा। दोस्तों अगर आपको शक्तिमान की डुप्लीकेट ब्लेड कहीं से मिल जाती है तो आप सबसे पहले ये चेक करिएगा ये जो इसका एज है ये एज उस ब्लेड में नहीं होगा। दूसरी बात जैसे आप ये देख रहे हैं इसमें शक्तिमान ऐसे वर्टिकल लिखा हुआ है, जो दोस्तों डुप्लीकेट ब्लेड होती है शक्तिमान की उसमें ये आप देखेंगे तो इस तरह से शक्तिमान लिखा रहेगा, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लिखा रहेगा, ये वर्टिकल है, वर्टिकल में नहीं लिखा होता है, ये हॉरिजॉन्टल में लिखा होता है। और अगर बात करें सोनालिका कंपनी के ब्लेड के बारे में तो सोनालिका कंपनी का जो ब्लेड होता है उसका भी ओरिजिनल और डुप्लीकेट ऐसे ही चेक किया जाता है। अगर सोनालिका की ओरिजिनल ब्लेड है तो आप ऐसे रखेंगे तो उसमें सोनालिका ऐसे लिखा दिखेगा यानी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, और अगर लोकल ब्लेड है तो उसमें ऐसे जैसा शक्तिमान लिखा हुआ है तो उसमें इस तरह से सोनालिका लिखा होता है। अगर इस तरह से सोनालिका लिखा हुआ है तो दोस्तों आप बेशक उसको पहचान लीजिए कि वो डुप्लीकेट ब्लेड है, ओरिजिनल ब्लेड होगी तो आप ऐसे रखेंगे तो आपको ऐसा सोनालिका का लोगो लगा मिलेगा। तो दोस्तों ये थी ब्लेड से रिलेटेड जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह के नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।